खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाएं और हमारे R9 टीवी को सब्सक्राइब करें। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में हुई हिंसा पर सेना प्रमुख विपिन रावत के बयान से राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो गई है। AIMIM प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने आर्मी चीफ पर पलटवार किया है कि अपने कार्यालय की हद जानना भी एक नेतृत्व ही है। ये देखिए, आर्मी चीफ ने वो बात जो भी कही है वो कहकर मोदी गवर्नमेंट को अंडरमाइन कर रहे हैं, वो उनकी सरकार को अंडरमाइन कर रहे हैं। अगर आर्मी चीफ ने जो बात कही है वो सच है तो मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हमारे वजीर आजम प्रधानमंत्री अपने वेबसाइट पर लिखते हैं कि वो इमरजेंसी के दौर में उन्होंने एज ए स्टूडेंट हिस्सा लिया था, तो फिर जब इमरजेंसी के दौर में जब स्टूडेंट ने हिस्सा लिया था तो अगर वो भी गलत, अगर ये इनके बयान के वो भी गलत है। फिर जेपी ने, जयप्रकाश नारायण ने कहा था कि आइए इमरजेंसी में, स्टूडेंट कहा था कि आइए इंदिरा गांधी के इमरजेंसी के खिलाफ एहतजाज करिए, ये भी बताना पड़ेगा सरकार को। तीसरी बात यह है कि ये भूल गए, कल तो वाजपेयी साहब के याद किए हैं, कल अटल बिहारी वाजपेयी ने एडमिरल विष्णु भगत को हटाया था, वो क्या था फिर? ये तो इनका ये स्टेटमेंट चीफ ऑफ आर्मी का, ये तो गवर्नमेंट को अंडरमाइन करता है और गलत है, वो बिल्कुल गलत है। डेमोक्रेसी में आपको ये जो प्रोटेस्ट में क्या करना है आपको, ये तो सरकार को अंडरमाइन कर रहा है, ये तो सरकार की बेइज्जती हो रही है इस तरह का बयान देकर।